Yes, स डे है एंड वील बी सेलिब्रेटिंग आर इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस यानी कि कल हम लोग मना रहे हैं तो इसीलिए जारे फड्डा जो है आप सभी को ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट आपके कोर्ट से इसमें बिल्कुल जो है दे सकता है चाहे आप कोई सा भी इफ यू आर टारगेटिंग पेपर वन और पेपर टू और, और बोथ तो बिल्कुल जो है आप सभी ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट के साथ करवा सकते हैं चलिए सो वेरी गुड इवनिंग नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जा रहे फटा हिंदी मीडियम पर तो बिल्कुल मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक प्यारी सी बढ़िया सी तीनों यूनिट को मिला के हमारे डी के साथ तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो हैं तैयार होंगे आज के अपने इस धमाकेदार सेशन में तो फटाफट से आ जाइए सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार मेरा जो है ए वी जल्दी से चेक करा दो सो दैट सेशन को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम लोग डिस्कस करते हुए चलें चलिए बहुत बढ़िया सेशन फाइनली जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है मेरे साइड से एवरीथिंग इज क्लियर एवी वगैरह सब कुछ ठीक है आशा करता हूँ कि आपके साइड से भी जो है सब कुछ ठीक होगा ठीक है भैया चलो तो देखो बात ऐसी है एक बार सभी को आ जाने देते हैं एक बस दस सेकेंड मैं भी जो है एक बार मेरे साइड से शेयर कर देता हूँ फिर जो है हम लोग बढ़िया सा हमारा सेशन करते हैं शुरू ठीक है <coughs> चलिए सो so, बस ऑलमोस्ट हमारा हो गया है चलो बिल्कुल। तो एक बार अपनी अपनी जो है हाजिरी आप लोग लगवा दीजिए थोड़ा सा हम लोग दो चार मिनट लेट हो गए पर यस फाइनली क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं देखो आज के सेशन में हम लोग जो है डीआई हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग ठीक है और आपकी लॉजिकल रीजनिंग यूनिट पांच छह चार पाँच छः हमारी जो है डिस्कस करने वाले तीनों यूनिट का ठीक है जी

और पेपर टू दोनों की ठीक कंप्लीट जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जा रही है ठीक है जी इसके अलावा लाइव टेस्ट है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भैया तेरह अप्रैल से चौदह अप्रैल तक होने वाला है ऑल इंडिया जे आर एफ लाइव टेस्ट जिसमें आप पेपर वन का टेस्ट दे सकते हो रिजल्ट आप सभी को मिल जाएगा कल यानी कि चौदह तारीख को रात को नौ बजे ठीक है जी तो अभी तक यदि आप लोगों ने नहीं दिया है टेस्ट तो पेपर वन का जाके देखिए और अपनी तैयारी को एक बार जांचिए ठीक है जी चलो तो आज करने वाले हैं भैया डिस्कस तो क्या आप लोग तैयार हैं एक बार मुझे बता दीजिए कि ये सौ नो कि येस और नो एक बार बता दो कि हां जी सर हम लोग तैयार हैं नहीं है पेन कॉपी लेके बैठ जाइए क्योंकि सबसे पहले जो है आप सभी के पास जो सबको आपको डराता है डी हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं ठीक है जी तो पहले डीआई को खत्म कर देते हैं फिर बाकी का जो चीज होगा हमारा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग तो जो अभी नहीं आए हैं हमारे छात्र उनको भी बुला देते हैं तो फटाफट से सेशन को करेंगे डिस्कस ठीक है चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए सभी के लिए ये रहा डीआई जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने हमेशा आप सभी को यही बताया है और आज भी आपको यही बताऊंगा कि बेटा जो आपको दिया गया है जो हमें डेटा दिया गया है सर जी उसको है ना हमें पहले अच्छे से पढ़ना है रीडिंग एप्टीट्यूड हमें हमारा वहां पे लगाना है क्योंकि जब तक आप सभी को नहीं पता है कि क्या सूचना मुझे दी गई है उससे क्या निकालना है भैया नहीं अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे ठीक है चलो तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं देखते हैं पहले समझते हैं क्या अपने पास डेटा है कि निम्न तालिका जो है भारत के पांच अलग अलग शहरों ए से ई तक शहर है भारत के पांच अलग अलग उसमें जो आपका कोविड नाइनटीन है ठीक है उसमें हमारा जो कोविड कोविडीन है महामारी से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या हजारों में दिया हुआ है तो मतलब एक कॉलम में आपके पास दे रहा है नंबर ऑफ अफेक्टेड कितने लोग जो है प्रभावित हुए हैं ठीक है थीके? आ, और दूसरी तालिका में हमें क्या दिया हुआ है हमें पुरुष और महिला का अनुपात भी आपको दे दिया गया है जैसे रेशियो अफेक्टेड मेल और फीमेल मतलब आपके जो पांच है वो मेल अफेक्ट हुए हैं पुरुष और फीमेल जो है तीन इनका अनुपात भी जो है आप सभी को दे दिया गया है तो हमें बताना है हमें बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप देखो अब आप देखो पहले एक और बार मैं आपको बता देता हूं जैसे थाउजेंड में दिया हुआ है तो मतलब शहर ए में आपके जो नंबर ऑफ इफेक्टेड है कोविड नाइनटीन से कोरोना से आपके प्रभावित लोग कितने हैं सर जी ऐसे ही चौवन इतना समझ में आता है और उसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात हमें दे दिया तो सिंपल सा डेटा हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शहर में कोविड से प्रभावित पुरुषों की संख्या शहर ए से कोविड 19 में प्रभावित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है कितने प्रतिशत अधिक है तीस सेकेंड का भाई समय दे रहा हूं ठीक है सॉल्व करके बताओ देखे मुझे फटाफट से जल्दी से जी शुक्रिया अंजलि जी आशा करता हूं कि अंत तक आप बने रहेंगे ठीक है जी चलो बताओ देखिए फटाफट से आंसर बताओ तीस सेकंड का समय मैंने दे दिया है बट पट यस हमें आना चाहिए आप देखो बेटा क्या बोल दिया गया है हमें बताना है शहर बी में सर जीरा शहर बी चौवन हजार इसकी शहर बी में है जितने लोग प्रभावित हुए उसमें पुरुषों की संख्या तो शहर बी में यदि में यदि टोटल जो आपके अफेक्टेड है बेटा चौवन हजार है और इसमें पुरुषों की संख्या मुझे निकालनी है तो पुरुष कितने हैं सर जी मेल का अनुपात देखो आप पांच अनुपात चार आपको दिया हुआ है तो मतलब पुरुष निकालना तो पांच बटा नौ कर दूंगा क्या क्योंकि जब भी अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं तो बटा में हम लोग टोटल करके निकालेंगे बटा में टोटल करके निकालेंगे सर जी यही होगा तो नौ छिक्की चौवन नौ छिक्की चौवन और छह पंजे तीस तो बी का कितना आ जाएगा सर तीस हजार हमें देखना है कि शहर ए में पुरुषों की संख्या सर जी शहर ए कौन सा है हेरा इसका चौसठ हजार है जितने प्रभावित लोग हुए हैं समझ में आती है अब उसमें आपको पुरुषों की संख्या ही करनी है तो सर जी चौसठ हजार बटा चौसठ हजार गुणा पांच बटा सर जी टोटल हम लोग कर देंगे आठ हो जाएगा तो आठवेंटी चौसठ और आठ पंजे चालीस तो मतलब ए में तो मेरे चालीस हजार हो गया सर जी बी में मेरे कितना हो गया तीस हजार हो गया ठीक है एक में चालीस हजार एक में तीस हजार हमें बताना है कितने प्रतिशत अधिक है भैया अधिक है या कम है बताना है तो मेरे बी में तो कम है ना कितना कम है सर जी दस तो बी में कितना कम है सर जी दस किसके रिस्पेक्ट में सर जी ए के रिस्पेक्ट में बताना है तो मतलब कितना सर जी तो मतलब तो मतलब कम, कम है बताओ मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या बड़ा सिंपल सा था आया है तो बताओ नहीं आया है तो बताओ फटाफट से जल्दी से बता दो देखे सही है बढ़िया है ना चलो अगला को सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं अभी तो चलो पहला ही है हमारा दूसरे को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अब बताना है कि सभी पांच शहरों में कोविड से प्रभावित महिलाओं की औसत संख्या ज्ञात करनी है अब थोड़ा सा ये वाला जो हमारा प्रश्न है ना बेटा मजदूरी वाला हो जाता है पर जैसे अब एनटीए ने दे दिया है तो भैया हमें सोल्व तो करना पड़ेगा हमें सोल्व तो करना पड़ेगा कैसे करेंगे सुनना समझना देखना भाई समझोगे तभी आप लोग कर पाओगे तभी अप्रोच लगा पाओगे अप्रोच लगाना सीखोगे सर जी प्रैक्टिस से है ना और चीजें आएंगी कैसे सर जी रिविजन से ये हमारा तीन जो बाण हम जिसको बोल सकते हैं आप लगा सकते हो अपने मैथ्स में ठीक है अब आगे देखो क्या बोल दिया गया है कि सर जी प्रभावित महिलाओं पूरा का पूरा करना है आप देखो ये चौसठ हजार ठीक है जी इसका क्या निकालेंगे महिलाओं का निकालना है तो तीन बटा आठ कर दूंगा क्या सही है ऐसे ही चौवन हजार है ठीक है जी महिलाओं का निकालना है चार बटा नौ कर दूंगा सर जी सोलह हजार है सोलह हजार है महिलाओं का निकालना है, एक बटा चार कर दूंगा हाँ या ना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे नहीं आ रहा तो बता देना सर जी अड़तालीस हजार है महिलाओं का निकालना है, पांच बटा बारह कर दूंगा और ऐसे सर जी सत्ताईस हजार है महिलाओं का निकालना है एक बटा तीन कर दूंगा भैया सॉल्व कर दो आप साथ के साथ कैसे कर देंगे सुनना समझना देखना यदि जल्दी हो रहा है तो बता देना कि सर जी बहुत फास्ट करवा रहे हो पर थोड़ा क्विकली करना सीखेंगे तो बढ़िया लगेगा ठीक है तो आठ वंटी चौसठ और आठिया चौबीस ठीक है जी पांच नौ छिकी चौवन छोबीस चार चौक सोलह सर चार हजार बारह चौक अड़तालीस सर बीस हजार ठीक है और ये हो गया आ जाएगा सर जी नौतीस सत्ताईस नौ हजार टोटल कर दो तनिक सर जी टोटल करके क्या करोगे पांच है टोटल करके टोटल करके भैया पांच का भाग दे दोगे आंसर आपका आंसर जो है किसका आपका आ गया बताओ तो चौबीस चौबीस अड़तालीस अड़तालीस और चार बावन बावन और बीस मेरा कितना हो गया सर जी बासठ बासठ और नौ मेरा हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा तनिक बताएं आंसर और इसमें पांच का भाग दे दोगे तो सर जी सोलह दो सौ आप सभी का आंसर हो जाएगा इतना कर पाओगे हा या ना क्लियर है आशा करता हूं क्लियर होगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन बेटा दे दिया गया है बड़ा सिंपल सा है देखना समझना और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको चाहे स्टार मार्क कर लो कुछ भी जैसे भी आप करते हो क्योंकि लैंग्वेज का खेल है बेटा और कुछ भी नहीं है ठीक है अब आगे क्या बोल रखा है हमें कि शहर डी के संदर्भ में हम लोग बात करें ठीक है भाई यदि कुल प्रभावित पुरुषों में से सोलह सही दो बटा तीन जो भी कुल प्रभावित पुरुष है ठीक है उसमें से सोलह सही दो बटा तीन प्रतिशत इक्कीस से पच्चीस वर्ष की आयु के वर्ग में है और तैतीस सही तीन बटा एक बटा तीन प्रतिशत छब्बीस से तीस वर्ष की आयु के वर्ग में है ठीक है जी और बाकी जो है बाकी जो रिमेनिंग रिमेनिंग हमारा बच जाता है वो है तीस वर्ष से अधिक आयु के वर्ग में है तो शहर डी से कोविड नाइनटीन में प्रभावित हुए पुरुषों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनकी उम्र जो है इक्कीस से तेईस वर्ष है जिनकी उम्र जो है इक्कीस से तेईस है ठीक है जी करें इसको बड़ा सिंपल सा है देखना सर जी नहीं समझ आया देखो आप क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो देखो अड़तालीस हजार है हमारे पास आप इसमें सबसे पहले पुरुषों की संख्या निकाल लो किसके निकाल लो सर जी पुरुषों की तो अड़तालीस हजार टोटल है पुरुषों का अनुपात सर जी सात बटा बारह तो बारह चौक अड़तालीस सात चौक अट्ठाईस तो मेरे पास अट्ठाईस हजार पुरुष आ गए क्या इतना बताओ ये समझ में आता है पहली चीज दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है कि इक्कीस से पच्चीस वाले सोलह सही सोलह सो ही दो बटा तीन प्रतिशत है तो भाई याद करो पहली परसेंटेज परसेंटेज की की क्लास सोलह सही दो बटा तीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सोलह सही दो बटा तीन को भैया क्या लिख सकते हैं तनिक बताइए जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर जी सोलह सही दो बटा तीन हमारा क्या आ जाएगा सर जी एक बटा छ बोल सकते हैं क्या और ऐसे ही तैतीस सही एक बटा तीन को बोलूंगा क्या मैं उसको एक बटा तीन बोल सकता हूं भैया दोनों को जोड़ लो यदि मैं दोनों को जोड़ूंगा एलसीएम मेरा आ जाएगा सर छी एक तीन दुनी तो दो से गुणा तो मतलब ये मेरा हो जाएगा तीन बटा छ मतलब एक बटा दो मतलब एक बटा दो आप भी देखो आपके पास क्या चीज आई है सोलह सही दो बटा तीन बेटा इक्कीस से पच्चीस वर्ष वाले हैं तैतीस सही एक बट तीन छब्बीस से तीस वर्ष वाले हैं और हमें बताना है कि जिनकी उम, जिनकी उम्र 21 से 30 है तो मतलब जिसमें ये, ये तो की तो संख्या है, तो है मतलब आंसर मेरा आ जाएगा अट्ठाईस हजार का सर जी आधा कर दो चौदह हजार क्योंकि मेरे को इक्कीस से तेईस निकालनी थी इसलिए इन दोनों का मैंने क्या कर दिया सर जी जोड़ कर दिया प्लस कर दिया आंसर आ गया ठीक है सही है आशा करता हूँ समझ आ गया होगा बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखो नहीं आता है ना जहां भी दिक्कत परेशानी होती पूछ सकते हो ठीक है क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं और हम लोग पढ़ाने आए हैं ठीक है चलो अगले प्रश्न दे रखा है अगला कि बी सी और ई e में पुरुषों की कुल संख्या और ए सी डी में डी शहरों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या के बीच में अंतर अब थोड़ा सा देखो अः मजा आ जाएगा करने में सिंपल सी चीज है पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा कैसे आप देखो बी सी और ई e में बात बोली है <coughs> तो कहा जा रहा है भाई बी सी और ई e में बात बोली सर जी बी सी और ई e का हम पहले लें और उसमें कौन सी सर जी पुरुषों की कुल संख्या तो आप देखो चौवन हजार है और पुरुषों का कितना है सर जी पांच बटा नौ तो नौ छिकी चौवन तो छ पंजे तीस हजार आ जाएगा ऐसे यदि मैं सी में निकालू पुरुषों की संख्या सोलह तो हजार एक बटा तीन बटा चार आ जाएगा पुरुष तो चार चौक सोलह चार तीन बारह हजार ठीक है आगे मैं बात करूं ई में तो सत्ताईस हजार है और पुरुषों की संख्या दो बटा तीन 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 हजार ये तो हमने निकालना सीख लिया है टोटल कितना हो गया तीस बयालीस बयालीस और अठारह कितना हो जाएगा बताओ साठ हजार क्या ये साठ हजार हो जाएगा सर जी बिल्कुल हो जाएगा आगे मेरे को क्या बोल रखा है ए सी और डी में ए सी और डी में सर जी ए मेरा चौंसठ हजार है उसमें क्या निकालना है महिलाओं की संख्या निकालनी है तो महिलाओं का अनुपात कितना है तीन अनुपात आठ तीन बटा आठ कर दू क्या तो आठी चौंसठ इसको क्या हो गया भाई आठी चौसठ और आठिया चौबीस सही है आप देखोगे मुझे किसमें निकालना है और ए सी सी में आप देखोगे तो भाई बारह हजार तो मेरा ऑलरेडी हो गया था टोटल कितना है सोलह हजार तो मतलब ये मेरा चार हजार रहेगा प्लस और डी में मैं देखूंगा तो अड़तालीस हजार है उसका महिलाओं का निकालना है तो पांच बटा बारा, तो चार पंजे बीस कितना हो जाएगा चौबीस चौवालीस और चार अड़तालीस भैया और अड़तालीस हजार का अंतर कितना हो जाएगा भैया बारह हजार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है तो बता देना नहीं आ रहा है तो बता देना सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है और आज क्या है शेयरिंग में थोड़ी सी कमी कर रखी है मुझे ऐसा लग रहा है बताओ देखिए सही है अगले क्वेश्चन पे आए अगले प्रश्न पे बताइएगा जरूर इसका आंसर फटाफट से मुझे बताओ देखें जल्दी से चलो अगला प्रश्न है ओहो इसका आंसर दे दिया क्या? चलो कोई नहीं हम निकालना तो सीख लेते हैं शहर बी में महिलाओं की संख्या और शहर डी में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है सर जी सिंपल सा है ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे सारे के बस सारे के बताएंगे भैया शहर बी में महिलाओं की संख्या सर जी चौवन हजार है और महिलाओं का अनुपात चार बटा नौ तो नौ चौवन छह चौक चौबीस हजार और शहर डी में महिलाओं की संख्या शहर डी में महिलाओं की संख्या सर जी अड़तालीस और पांच बटा बारा। तो बारह चौक अड़तालीस बीस हजार तो सर जी चौबीस और बीस का अनुपात छ और पांच हो जाएगा क्या बताओ मुझे बिल्कुल सिंपल सा आंसर ठीक है कुछ ज्यादा तो इसमें है नहीं कठिन तो कुछ है नहीं सिंपल सिंपल सी अच्छी है चीजें हैं है ना समझ में आ गया बताओ मुझे हाँ या ना में जवाब दो फटाफट से चलो तो ये हमने जो है अभी डी आई सोल्व करी पांच क्वेश्चन हमने शुरू में सोल्व करे बिल्कुल सिंपल से डी आई थी कुछ अगर कैलकुलेशन में आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा ठीक है अब अब देखो, अब देखो, आगे हमारे प्रश्न चल रहे हैं आपके थोड़े से मिक्सअप में क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के मैथ्स और एल आर के ठीक है तो आशा करता हूं कि आप लोग बने रहेंगे और अगले प्रश्न को सॉल्व हम लोग करेंगे चलो पहले क्वेश्चन है तीस सेकंड का आंसर इसको दे रहा हूं सॉल्व करके बताएं देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे फटाफट से बताओ जल्दी से वॉइस स्लो so है मेरे साइड से ठीक है महेश जी एक बार चेक कर मैं फिर भी एक बार और चेक कर लेता हूं। मेरे साइड से अभी बताएं अभी ठीक है क्या पहले से बेटर है <coughs> बताओ मुझे ठीक है पहले से चलो अगला प्रश्न है बेटा क्या बोल दिया गया है बड़ा सिंपल सा है देखो एक छोटी सी अप्रोच बताऊंगा करने की समझिएगा नो no आंसर दीपाली जी बहुत बढ़िया इफ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द सम ऑफ दिस डिजिट यदि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का तीन गुना है ठीक है जी और संख्या में क्या है पैंतालीस जोड़ने पर अंक जो है आपस में बदल जाते हैं तो अंकों का योग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है सर जी अंकों का योग जो है हमें भैया ज्ञात करना है तो कई से हम लोग बताएंगे भाई कई से बताए समझाऊ आप देखो दो अंकों की संख्या है और हम लोग उसमें क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि संख्या में पैंतालीस हम लोग उसमें जोड़ दिया है तो दो अंकों की संख्या है अब दो अंकों की संख्या मिनिमम सबसे छोटी जो हमारी दो अंकों की संख्या होती है क्या भैया दस होती है क्या सही होती है ठीक है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर जी दस एक्स प्लस वायबर क्या होता है अपने अंकों का यदि मैं इनका योग करता हूं इनके ही अंकों का यदि हम योग कर लेते हैं तो मतलब एक्स प्लस वाई यदि मैं करता हूं तो वो कितना गुना है सर जी तीन गुना है कितना गुना है भैया तीन गुना है अब आगे क्या होता है दूसरी ये पहली हमारी इक्वेशन पहला समीकरण दूसरे में क्या बोलता है समस्या में चलना अब क्या करता है संख्या में पैंतालीस हम लोगों ने जोड़ दिया हमने क्या करा संख्या में पैंतालीस हमने जोड़ दिया तो इस संख्या में पैंतालीस जोड़ दू तो टेन एक्स प्लस के आपस के जो अंक होते हैं वो बदल जाते हैं मतलब ये जो संख्या के जो अंक है ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं भैया तो ये हमारे हो जाते हैं ये दस एक्स था ना ये हमारा हो जाता है दस वाय और ये केवल वाय था तो ये हमारा हो जाता है एक्स ये हमारा दूसरा समीकरण Although हमें कोई काम नहीं है इस दूसरे समीकरण से बिना उसके भी भैया हमारा आंसर लग जाएगा देखना कैसे पहले को करूंगा इसको तो आप लोग देखिएगा क्या आने वाला है दस एक्स प्लस वाई, बराबर, ये तीन को इन दोनों से गुणा कर दूं तीन एक्स प्लस तीन वाई, दस एक्स में से तीन एक्स मतलब तीन एक्स को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा तो मैं पूरा आपको एक बार समझ जाते हुए बता देता हूं माइनस का तीन एक्स हो गया तीन वाई यहीं पर यही प्लस का वाई इधर आएगा तो माइनस का वाई यही मैथ्स का रूल होता है कितना हो जाएगा सात एक्स बराबर तीन में से सर जी, गया तो दो बचेगा वैल्यू तो और और भी हमारे पास आ जाती है उन दोनों को जोड़ दो सात और दो को जोड़ दिया सर जी नौ आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बताओ समझ में आया या नहीं आया देख लो समझ लो अच्छे से और फिर मुझे बता दो ठीक है और लाइक जरूर करते रहिएगा सेशन को क्योंकि आज के सेशन में एक छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाए ठीक है चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं ये देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है देखना सुनना समझना लग हमें रहा है कि हम लोग कैसे सॉल्व करें बट एक छोटी चीज है जो आप सभी को बताऊंगा आप देखो क्या बोला गया है कि जैसे ही किसी किताब की कीमत 20 कम हो जाती है तो उसकी जो तो खपत है वो पच्चीस तो की बात है मैं तो मान लो बात करता हूं, बात करता टमाटर की करते हैं टमाटर टमा पचास रूपये किलो बिक रहे हैं मार्केट में मुझे नहीं पता है भाई कितने रुपए किलो है मैंने एग्जाम्पल दे दिया पचास रुपए किलो बिक रहे हैं तो हम लोग उसमें मान लो दो किलो खरीदते हैं पर जैसे ही टमाटर की जो कीमत है वो कम हो जाएगी पचास से तीस रुपए हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे भाई सस्ते में मिल रहा है तो हम ज्यादा परचेस कर लेते हैं वही कंसेप्ट है पर सर कहना क्या चाहते हो हमें निकालना है कि आय में कितने प्रतिशत इनका परिवर्तन होता है इनकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है तो भैया मैंने आप सभी को एक चीज शायद बताई थी मुझे ऐसा ध्यान में है या नहीं बताई हो तो भी सुन लो जब भी इस तरीके का हमारे पास प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करेंगे भैया एक हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला होता है जो ए बी वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या होता है सर जी ए प्लस बी बटासो ये हमें यूज करना है अब प्लस क्यों लिखा मैंने भाई जहां पे बढ़ रहा है तो उसको कर देना है. आप देखो क्या हो रहा है बीस प्रतिशत कम हो रही है तो बीस प्रतिशत कम हो रही है तो बीस सर जी माइनस का बीस हमारा लिख देंगे प्लस और खपत जो है पच्चीस प्रतिशत बढ़ जाती है तो मतलब बढ़ गया तो मतलब पच्चीस हमारा प्लस में आ जाएगा इसको करोगे इसको करोगे तो माइनस का ही आएगा सर जी ए बी मतलब आपका पच्चीस गुना बीस बटा सौ इतना समझ में आता है आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का बीस प्लस का पच्चीस माइनस पच्चीस सौ अभी पच्चीस गुना पचास पांच सौ ये पांच सौ बटा सौ है तो मतलब इसको मैं डायरेक्टली पांच लिख सकता हूं तो ये मेरा माइनस का पांच हो गया तो so, मुझे आप बता, बताओ बताओ बेटा ये माइनस का बीस माइनस का पांच माइनस का पच्चीस हो जाएगा ऑल दो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सर जी माइनस का पच्चीस प्लस का पच्चीस क्या आ गया सर जी जीरो नो इफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया क्या बताओ देखे मुझे हा है ना बिल्कुल जीरो परसेंट है बिल्कुल जीरो प्रतिशत ठीक है सही है चलो अगले प्रश्न पे आएंगे बताओ देखिए इसको, इसका आंसर बताओ देखिए, बढ़िया है, है, क्वेश्चन बताइए आंसर फटाफट से वेट कर रहा हूं आप सभी के उत्तर का आप सभी के आंसर का और देखो सीधी सी बात है समझ में आ रहा है तो बता देना नहीं आ रहा है तो बता देना है ना और साथ में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसी ही मैराथन का पार्ट टू चाहिए जब आप कमेंट करेंगे भैया तभी लेके आएंगे क्योंकि कमेंट करते हो तभी तो मोटिवेशन मिलता है बिल्कुल दीपाली जी इज जीनियस बट महेश कैन ऑल्सो बी जीनियस महेश जी भी बिल्कुल जीनियस बन सकते हैं केवल दीपाली जी पार्ले जी नहीं खाती हैं जी फॉर जीनियस हम भी खा सकते हैं मतलब कहने का क्या तात्पर्य है दीपाली जी ने प्रैक्टिस करी है और हमने नहीं करी है ठीक है चलो अगले प्रश्न पे समझते हैं आशा करता हूँ निकाला होगा किसी वस्तु को रुपए में हम लोग बेचते हैं कितने रुपए में इक्कीस सौ बीस रुपए में बेचते हैं हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ा गई है मैं पढ़ लेता हूं द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आइटम हम इसको बेच कितने में रहे सर जी 2120 रुपए में बेच रहे हैं ठीक है और उस पे हमें क्या हो रहा है भैया प्रॉफिट हो रहा है इतने रुपए का और यदि हम उसको क्या करें लॉस परसेंटेज हमारा हो और इसको हम लोग क्या है 1480 रुपए के हानि पर यदि हम उसको बेचते हैं लॉस पे मुझे बेचते हैं तो क्या होता है कि इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए सो दैट हमारा जो प्रॉफिट हो हमारा जो लाभ हो वो 20 प्रतिशत का हो हमारा जो लाभ हो हमारा जो लाभ हो वो कितना हो बीस प्रतिशत का हो ठीक है ये क्वेश्चन है तो बेटा एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन हमारा और क्या बोल दिया गया है कि एक तो हमें प्रॉफिट दे दिया गया है एक तो लाभ दे दिया एक हानि दे दी और बोल दिया कि इतना प्रतिशत आप सभी का हो तो इसको कितने बेचेंगे सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला बता देता हूं क्या करना है सर जी कौन सा सूत्र हम लोग लगाएंगे क्या लगाएंगे सर जी प्रॉफिट प्लस लॉस अपॉन टू प्रॉफिट प्लस लॉस बटा टू प्रॉफिट कितना हो रहा है इक्कीस सौ बीस रुपए का प्लस आपको हा, हानि कितने की हो चौदह सो अस्सी की बटा दो तो सौ और चौदह सो पैंतीस अस्सी छत्तीस सौ तो हमें कित कितना हो गया सर जी अट्ठारह सो हमारे पास ये आ गया क्या अब आप देखो ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गई है अट्ठारह सो इसको कितने पे बेचना है सर जी बीस प्रतिशत पे तो क्या करोगे क्या करोगे इस 1800 का 20 प्रतिशत लाभ पे बेचना है तो मान लो सीपी यदि 100 है 20 प्रतिशत लाभ पे बेचना है तो सर जी सौ प्लस बीस मतलब 120 है ना तो 1800 का भैया डायरेक्टली आप 120 प्रतिशत निकाल लोगे आंसर जो है उत्तर जो है आप सभी का आ जाएगा सर जी जीरो से जीरो 18 एक सौ अस्सी 36 दो तो एक सौ अस्सी छत्तीस मेरा हो गया सर जी इक्कीस सौ साठ ऑप्शन नंबर वेल डन ठीक है well समझ में आ गया है बिल्कुल महेश जी चलो आशा करता हूं कि सभी को आ रहा होगा और जितने सारे जुड़ रहे हैं सबको आंसर बताना है भाई चाहे आता है चाहे नहीं आता है नहीं आता है तो सीखना है ठीक है और अपने डाउट पूछने हैं चलो आंसर बता उत्तर की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बताओ देखिए इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है तीस सेकंड का समय एक नाव में 25 बच्चों का औसत वजन है ना वो 22 किलोग्राम है ठीक है और 25 बच्चों और गद्देदार का जो औसत है पैडेड जो गद्दे हैं उसका जो औसत है वो कितना है सर जी 24 किलोग्राम है तो हमें बताना है कि गद्देदार का वजन कितना है इसमें कितना वजन है ये हमें बताना है आंसर चौहत्तर बड़ा सिंपल सा बताऊं एक चीज आप देखो सिंपल सा है सेकेंड में आंसर आ जाएगा पच्चीस बच्चों का जो एवरेज है वो आपका कितना है सर जी बाईस सौ बाईस किलो ठीक है और बच्चों और गद्देदार तो मतलब बच्चे पहले पच्चीस थे और एक और ये गद्देदार जो हमारा है, ये ये है अगर जुड़ जाता है तो एक जुड़ जाता है तो पच्चीस से कितना हो जाएगा सर जी छब्बीस हो जाएगा क्या छब्बीस हो जाएगा इसका कितना औसत दे रखा है सर जी चौबीस इसका औसत दे रखा है कैसे इसको फाइंड आउट करोगे सुनना समझना आप देखो सर जी यहां से यहां पे कितना चेंज आ गया सर जी एक का चेंज आ गया सर जी यहाँ से यहाँ पे कितना चेंज आ गया सर जी दो का आ गया आपको पैडट का निकालना है सर जी पैडेट का ये है चौबीस इसको दो से गुणा एक से इसको कर देंगे एक से गुणा तो चौबीस एक कम चौबीस ठीक है बताओ मुझे सर जी ये है पच्चीस पच्चीस गुना पचास तो कितना आ जाएगा भैया चौहत्तर आ जाएगा बताओ मुझे हाँ या ना समझ में आता है क्या गुड इवनिंग अर्चना जी आप थोड़ा सा लेट हो गए थोड़ा मतलब ज़्यादा ही हो गए थोड़ा तो क्या और एक और चीज बताऊं सर जी नहीं आया समझ अगर आपको नहीं आया तो एक और तरीका अपने पास है है ना अगर नहीं आया है तो एक और तरीका अपने पास है ये तो है ही दूसरा तरीका क्या है सर दूसरा तरीका क्या है जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं औसत निकालते हैं सुनना समझना औसत बेटा जब भी हम लोग निकाल रहे हैं तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है सर जी अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों की संख्या यही होता है मतलब एवरेज यदि मैं निकाल रहा हूं तो सर जी आपके टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही होता है तो मुझे यदि 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 मुझे मुझे योग निकालना है, मुझे टोटल निकालना है 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 टोटल तो जो भी जो भी भी नंबर दे रखा और औसत दे रखा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वही कंसेप्ट जो है अपन को यूज करना है कैसे कैसे आप देखो आप यहाँ पे देखोगे कि 25 बच्चों का औसत जो है 22 दे रखा है 25 बच्चों का जो औसत है वो 22 दे रखा है ठीक है दोनों का पच्चीस बच्चों का औसत बाईस है तो टोटल निकालो पच्चीस बच्चों का वजन कितना है तो कितना औसत तो चौबीस दे रखा है कितना सर जी चौबीस तो छब्बीस और चौबीस को गुणा कर लो छो चौबीस चार दुनी आठ छह दुनी बारह बीस दो बाईस दो दुनी चार छह सौ चौबीस सर जी जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा क्योंकि एक का निकालना है ना का सजी चौहत्तर आपका आंसर हो जाएगा ऐसे भी आप लोग कर सकते हो दोनों तरीके हैं आपके जचे जैसे आप लोग सॉल्व करो पर भैया सॉल्व करो नंबर तो लेना है दो नंबर लेने एक क्वेश्चन के ठीक है समझ आई चलो अगले प्रश्न पे आते हैं चलो ये हमारा मैथ्स का अब थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग आ जाते हैं ठीक है महेश जी चेक करिए अच्छा मुझे मुझे बाकी के स्टूडेंट्स बताएं कि उनको भी आवाज कम लग रही है क्या या केवल महेश जी को ही लग रही है एक बार मुझे बताएं सभी पहले इसको सब... बताएं मुझे सभी को कम लग रही है या सभी को प्रॉपर आ रही है आवाज वॉइस ओके है, है ना महेश जी प्लीज अपना एक बार फोन चेक करा लो यार भैया तो वैसे नहीं बोल रहा हूँ मतलब एक बार थोड़ा सा शायद मुझे लग आई थिंक सभी को प्रॉपर आ रही है ना चलो कोई बात नहीं मैं थोड़ा और तेज बोल लेता हूं <laughs> नहीं right, चलो थैंक यू नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध हमारा निष्कर्ष है वैलिड ठीक है अब देखो क्या बोल दिया गया है ऑल प्लेयर्स आर aggressive. सभी खिलाड़ी आक्रामक आक्रामक कुछ राजनेता आक्रामक हैं। दो स्टेटमेंट दे दिए कंक्लूजन हमें दे दिया निष्कर्ष का दे दिया सम पॉलिटिशियंस आर नॉट अग्रेसिव कुछ जो पॉलिटिशियंस है वो अग्रेसिव नहीं है ये हमें क्या बता दिया कुछ राजनेता आक्रामक नहीं है और सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन कि कुछ खिलाड़ी जो है राजनेता हैं। क्या आंसर होने वाला है बताएं सर फटाफट से ओनली वन आर यू श्योर बताए आंसर बताए फटाफट से विल बी द आंसर अच्छा देखो क्या बोला रखा है क्या बोल रखा है वेन डायग्राम बनाते हैं ठीक है फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं देखिएगा सुनिएगा ऑल प्लेयर्स आर अग्रेसिव सारे के सारे जो प्लेयर्स है ना वो क्या है सर जी अग्रेसिव है सही है ऐसा ही बनेगा आगे क्या बोल रखा है सम पॉलिटिशियंस आर अग्रेसिव कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके अग्रेसिव हैं अब पे आओ सम पॉलिटिशियंस आर नॉट अग्रेसिव कुछ पॉलिटिशियंस अग्रेसिव हैं तो मतलब कुछ नहीं भी तो हैं कुछ नहीं भी तो हैं सही बात है ठीक है ये तो हमारा सही हो गया आगे क्या है सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियंस कुछ जो प्लेयर्स हैं वो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या है पॉलिटिशियंस है सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियंस तो प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस में हमें कुछ रिलेशन दे दिया गया था क्या ऊपर नहीं सर नहीं क्योंकि आप देखोगे कि कुछ हमें यहाँ के बारे में कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं पता है कि ये नहीं बता रहा है श्योरिटी नहीं है कि भैया होगा या होगा हो ही होगा ठीक है जी तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओनली वन ठीक है चलो वापस से एक डीआई आ गई पर मैं चाह रहा हूं डीआई हम लोग अब लास्ट में सॉल्व करें पहले मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम लोग एक बार खत्म कर ले उसको ठीक है चलो अगले प्रश्न पे आते हैं यदि लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का पिचानवे प्रतिशत है बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन सॉल्व करना है लागत मूल्य विक्रय मूल्य का पिचानवे प्रतिशत है तो प्रतिशत में लाभ क्या है तो प्रतिशत में आपके सेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेट का यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का पिचानवे प्रतिशत है तो कैसे सॉल्व करना है भाई जो लिखा हुआ है ना बस आप लोग उसको पढ़ लो और समझ लो क्या बोलकर लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का पिचानवे प्रतिशत है तो सर जी विक्रय मूल्य का पिचानवे मतलब यदि मैं यदि मैं आपके विक्रय मूल्य को सौ मान लू विक्रय मूल्य को सौ मान लू तो आपका जो लागत मूल्य होता है क्या वो पिचानवे हो जाएगा नाइनटी हो जाएगा बताओ मुझे लागत मूल्य पिछाड़ हो जाएगा मतलब सेलिंग प्राइस यदि मेरी सौ है तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी क्या वो पिछाड़ हो जाएगी सही बात है मुझे बताना है लाभ प्रतिशत एक छोटी चीज़ और बताना चाहूंगा साथ में मैंने आपको शायद पहले बताया था या नहीं बताया तो तो वापस से सुन लो कि यदि आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है आपकी कॉस्ट प्राइस से मतलब आपका यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा है आपके क्रय मूल्य से तो हमेशा भैया आपको प्रॉफिट मतलब लाभ होने वाला है और यदि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से मतलब यदि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है आपके विक्रय मूल्य से हमेशा आपको क्या होगा भैया लॉस होगा तो इस केस में क्या है सर जी सेलिंग प्राइस ज्यादा है विक्रय मूल्य ज्यादा है कितना ज्यादा है सर जी अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है सर सर जी जी प्रॉफिट अपॉन सीपी बार बताया तो लाभ प्रतिशत का है तो हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होगा सर जी भाई हानि बटा लागत मूल्य गुना सौ सेम ही होगा लाभ और हानि का डिफरेंस है ठीक है तो पांच बटा सीपी मेरा है फाइव पॉइंट टू सिक्स परसेंट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ आ गई हाँ है ना सिंपल सा क्वेश्चन था अगले प्रश्न पे आते हैं सॉल्व जरूर करिएगा चलो ये बताओ ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है मजा आ जाएगा लाइक like जरूर करते रहिए सेशन को यदि अभी तक नहीं किया है और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर जी समझ आया है नहीं आया और साथ में कि सर जी आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो ही भैया मैं लेके आऊंगा ध्यान रखियो <laughs> चलो पार्ट ऑफ द जो कि तो हमारी ड्यूटी है एनीवेज क्वेश्चन को हम लोग करते हैं समझने की कोशिश करते हैं देखिएगा क्या बोल रखा है कि एक वस्तु को बनाने में सौ रुपए का व्यय होता है सौ रुपए का खर्चा होता है ठीक है सर जी सौ रुपए का खर्चा होता है अब जो खुदरा विक्रेता जो है जो आपका रिटेलर अः रिटेलर है उसको पचास प्रतिशत लाभ पर बेच देता है लागत मूल्य के ठीक है जी और खुदरा विक्रेता इसको फिर बिक्री मूल्य पर पच्चीस प्रतिशत के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है तो हमें बताना है कि ग्राहक ने इसको कितने रुपए में खरीदा था ग्राहक ने इसको कितने रुपए में खरीदा था कैसे बताएंगे सुनना आप देखो समझते हुए चलो आप देखो सौ रुपए में खरीदा मतलब का डेढ़ क्या बताओ मुझे डेढ़ सौ पे दिया गया है हाँ जी सर अब डेढ़ सौ पे दिया गया है और क्या बोला गया है कि इसको जो है रिटेलर जो होता है ना रिटेलर जो होता है खुदरा जो होता है कंज्यूमर को कस्टमर को या विक, विक्रेता को मतलब ग्राहक को क्या करता है 25 प्रतिशत लाभ पर बेच देता है तो आप देखो 25 प्रतिशत का मतलब बेटा हम लोग क्या जानते हैं 25 प्रतिशत का मतलब आपका एक बटा चार होता है क्या 25 प्रतिशत मतलब एक बटा चार अब इस एक बटा चार में से भी दो चीजें हम लोग बेटा निकाल सकते हैं ये चार जो होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है एक हमारा जो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो हम इतना तो समझते हैं आप देखोगे कि इनके बीच का सर जी डिफरेंस कितना आ रहा है और हमारा लाभ हुआ है ना आपका तीन का मान दिया हुआ है किसका मान दिया हुआ है तीन का मान दिया हुआ है हमें भाई साहब ओरिजिनल हमें टोटल वैल्यू पे जाना है जो कि हमारा चार है तो भैया चार से इसको गुणा कर दो तो सर जी तीन पंजे पंद्रह पचास और पचास चौके दो सौ उत्तर हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया दो सौ रुपए बताओ ये अप्रोच कैसी आई समझ में आई हा या ना फटाफट से बताओ देखो जल्दी से ठीक है चलो अगले प्रश्न पे आते हैं बताओ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है फटाफट से बताएंगे मुझे पढ़ो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को फिर इसके बाद दो मिनट का ब्रेक लेंगे ठीक continue, continue, है चलो आंसर बताओ देखें क्या होने वाला है दो कथन दिए हुए का क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है अजर्शन रीजन का ठीक है अब देखो क्या बोल दिया गया है दावा हमें किया गया है अजर्शन बोला गया है कि अत्यंत भाव एक शाश्वत है इटर्नल है क्यों है क्योंकि यदि कोई विशेष वस्तु किसी विशेष स्थान पर किसी भी समय मौजूद नहीं है तो ये कहा जाता है कि वहां वहां मौजूद उस वस्तु का अत्यंत भाव है मतलब इफ अ पर्टिकुलर थिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लोकस एट अ टाइम देन इट इज सेट देयर इज अत्यंत भाव ऑफ दैट थिंग अब देखो चलो ये तो बात है

कारण में मिल रहा है इस रीजन में मिल रहा है तो डेफिनेटली आप सभी का ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा दोनों आपके आपका दावा और आपका कारण आपका assertion और आपका जो रीजन है दोनों आपके सही हैं पर दोनों में कोई लिंक नहीं है दोनों में कोई रिलेशन नहीं है उसका कारण जो है आप सभी को नहीं मिल रहा है तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा और एक सही एक गलत होगा तो वैसे ही आप सभी को पता ही है यही होता है यह से ही हम लोग सॉल्व करते हैं है ना तो अब आप देखो सर जी अजर हमारा सही है क्या बिल्कुल सर जी आपका सही है क्या बोला गया अत्यंत भाव है हमारा शाश्वत है इटर्नल है बिल्कुल सही बात है और क्यों है क्योंकि कोई एक विशेष वस्तु किसी विशेष स्थान पर क्या होती है मौजूद नहीं है पर उसके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब वो क्या है शाश्वत है इटर्नल है एक एग्जाम्पल आप सभी को देता हूं बहुत बढ़िया सा जो मून है जो चंद्रमा है सर जी वो कभी हीट प्रोड्यूस नहीं करता है वो कभी हीट वो ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं करता है सर जी वो किसका काम होता है वो काम होता है सूर्य का समझ रहे हो तो बिल्कुल जो है आप सभी का दावा और आपका कारण मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा और आगे वाली क्लासेस में हम लोग जो है डिटेल में इसके बारे में जानेंगे अंबिका जी अंबिका जी आ, डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज देखो तीनों तीनों यूनिट का मिक्स में क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई आपका मैथामेटिकल रीजनिंग एल लॉजिकल रीजनिंग और डी आई डेटा इंटरप्रिटेशन अगला जो क्वेश्चन आएगा डी का आएगा दिल थाम के बैठो भैया बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो अभी क्लास हमारी बाकी है इट वॉज ओनली ट्रेलर स्वागत है आपका अवनीश जी अवनीश राठौड़ जी ठीक है चलो पांच मिनट का पांच का दो मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर हम लोग जो है फटाफट से करते हैं स्टार्ट जल्दी से दो मिनट आप लोग भी एक बार पानी वानी पी लो मैं भी पी लेता हूं फिर अपन स्टार्ट करते हैं वापस से ठीक है चलिए सो वेलकम बैक एवरी तो स्वागत है एक बार फिर से बिल्कुल दो तो मिनट का एक छोटा सा ब्रेक अपन ने लिया एंड uh, करते हैं फटाफट से अपने अपने सेशन को हम लोग कंटिन्यू तो आप लोग भी आ जाइए जहाँ भी आप लोग गए थे फटाफट से क्योंकि हम लोग जो है सेशन को कंटिन्यू करें ठीक है और राइट सो लाइव टेस्ट यदि आप लोगों ने नहीं दिया है तो आप लोग जाके दे सकते हैं ठीक है दो दिन के लिए हमारा ओपन है फ्री में है फटा एप्लीकेशन डाउनलोड करके और राइट चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फटाफट से इसका आंसर इसका उत्तर जो है मुझे आप लोग बताएंगे क्या बोल रखा है एक सर्टेन लैंग्वेज में पेंट को पेंट को पी ए आई एन टी पेंट को हम लोग लिख देते हैं नौ थ्री नौ तीन पांच चार ठीक है और एक्सेल को हम लोग सात आठ दो सात एक लिख देते हैं भैया ये पीवाई क्यू आपका पहले बता देता हूं और जून 2023 में पूछा गया था ठीक है तो हम लोग जो है एक्सेप्ट को कैसे लिखेंगे ए डबल सी ई पी टी कैसे लिखेंगे आंसर बताओ फटाफट से थोड़े से और हैं थोड़े से एक डी पूरी की पूरी बची है पांच क्वेश्चन और उसके अलावा दो चार क्वेश्चन और हैं ठीक है अच्छा निशा जी मुझे लॉजिक बता सकते हो क्या लॉजिक लगाया है क्योंकि जब भी हम सिक्वेंस और ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो पहले आप सभी को लॉजिक ढूंढना आना चाहिए कि उस कोडिंग को डिकोड करना आना चाहिए क्या कोड में है वो कब डिकोड करोगे जब भैया लॉजिक आप सभी का लगेगा क्या पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है क्या लॉजिक हमें लग रहा है वो हमें पहले ढूंढना है तो क्या जिन्होंने भी किया है वो मुझे लॉजिक बता सकते हैं डी आंसर बता रहे हैं आप सभी चलो सर जी कछु लॉजिक ना है है ना बड़ा सिंपल सा है क्यों क्यों सिंपल सा है आप देखोगे आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रखा है कि गौर से यदि आप देखोगे ना तो बड़ा आप देखो ए का मान सर जी तीन है सी की वैल्यू सर जी यहाँ पे क्या है दो और दो है ई e की वैल्यू सर जी यहाँ पे कितनी है सर जी सात है आप देखोगे पी पी का मान जी नौ है और टी का मान जी छ है तो मतलब आपका आंसर तो मतलब देखो दो चीजें होती है। या तो आपका कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में प्रश्न में कि प्लस वन हो रहा है माइनस वन हो रहा है प्लस टू माइनस या डायरेक्टली आप सभी का हो सकता है तो अगर आपका कुछ ना कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है तो मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं क्या रीजन है लाने का कि सर जी कॉमन सेंस का भी आ सकता है क्वेश्चन ठीक है हम लोग हम लोग हम लोग ये सोचते हैं कि भैया लॉजिक लगेगा लॉजिक लॉजिक लगेगा बट फिर अंदर आत्मा से आवाज आती है भैया कछु लॉजिक ना लगे ठीक है चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं तो लो, ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का फटाफट से को जो है सॉल्व करके बताएंगे मुझे क्योंकि हम लोग क्या समय बर्बाद कर देते हैं भैया लॉजिक नहीं लग रहा लॉजिक नहीं लग रहा भाई आप देखो सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो एनटी का कुछ नहीं भरोसा भाई वो हमारा टाइम वो वेस्ट हो जाए ठीक है चलिए तो क्या बोल रखा है अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे इस प्रश्न को करेंगे पर जो पहली बार यदि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पढ़ रहे हैं तो उनको एक छोटी चीज है जो बताना चाहूंगा आपके अपने इस क्लास में कंसेप्ट हम समझ लेते हैं हम लोग क्या है फैमिली ट्री बनाते हैं परिवार का वृक्ष ठीक है अब फैमिली ट्री हम लोग कैसे बनाते हैं जो भी आपके मेल मेंबर होते हैं मैं तो क्या करता हूं उनको मेल मेंबर को इस डिब्बे से शो कर देता हूं जो भी आपकी फीमेल मेंबर्स होती हैं उसको मैं सर्कल से शो कर देता हूं ठीक है जो महिलाएं होती हैं जो भी आपका जनरेशन या जनरेशन जनरेशन नहीं आपके सेम जनरेशन वाले हाँ बिल्कुल सेम जनरेशन वाले आपके जो लोग होते हैं उसको मैं हॉरिजेंटल लाइन में करता हूँ सेम जनरेशन वाले है ना मान लो भाई बहन हो गए सेम जनरेशन वाले नहीं हो सकते मान लो पेयर आपका है कोई मैरिड कपल है या पेयर है उसको मैं डबल लाइन से जो है शो कर देता हूँ और जो स्टैंडिंग लाइन जो वर्टिकल जो सीधी रेखा होती है उसमें मैं शो करता हूँ जनरेशन गैप को जनरेशन गैप को मतलब दादाजी पापा और बेटा ठीक है सही है अब आप देखोगे अब आप देखोगे क्या बोल रखा है बनाते हैं हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं प्रदीप के जो पिता हैं वो राहुल के पुत्र हैं प्रदीप के जो पिता हैं सर जी ये रे, प्रदीप मिस्टर प्रदीप ये रहा इनके जो पिताजी हैं पिताजी हैं तो मतलब प्रदीप के फादर पीएफ लिख दूं अब फादर हैं तो सर जी ऑब्वियसली मेल होंगे पर मुझे प्रदीप का जेंडर नहीं पता है आप देखो लॉजिकल रीजनिंग भैया नाम पे नहीं जाना है प्रदीप यहाँ पे लड़की भी हो सकती है ना वो कपिल शर्मा शो वाला जहां पे वो सपना बनती है वो पर कृष्णा होता है सेम एज इट इज ठीक है तो और ये कौन है और ये कौन है सर जी वो राहुल के पुत्र हैं ये कौन है सर जी राहुल के पुत्र हैं तो भैया राहुल मुझे यहाँ पे राहुल का जेंडर भी नहीं पता है मुझे जो है यहाँ पे राहुल का जेंडर भी नहीं पता है ठीक है आगे देखो क्या बोल रखा है मोहन जो है प्रदीप के चाचा है मोहन जो है प्रदीप के चाचा है तो प्रदीप के चाचा मतलब ये प्रदीप के पापा के भाई हो जाएंगे ना तो मतलब ये वाला सेम जनरेशन मेरा आ जाएगा सर जी मोहन मोहन जो है प्रदीप के चाचा हैं और राहुल जो है नीलेष का भाई है सर जी राहुल जो है क्या है नीलेष का नीलेष का भाई है तो राहुल का जेंडर पता लग गया राहुल दादाजी हैं प्रदीप के सही है बताओ मुझे सही है तो नीलेष जो है मोहन से कैसे संबंधित है नीलेष जो है मोहन से कैसे संबंधित है सर जी नीलेष जो है मोहन से कैसे संबंधित है सर जी कहा गया येरा मोहन संबंधित है सर जी चाचा जी हैं क्या है चाचा जी हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर ठीक है बताओ समझ में आया <laughs> और क्या चलो पार्ट ऑफ द जो डोंट टेक इट सीरियस चलो भाई अब हम थोड़ी सी डी आई वी आई कर लेते हैं है ना जी चलो पढ़ो देखो इसको मैंने जैसे पहला शुरुआत मैंने डीआई से करी अंत भी डीआई से करूंगा और शुरुआत मैंने इस बात से करी कि डीआई जब भी आपको दिया हुआ है भाई आप सभी को डेटा पढ़ना है सूचना है जो आपको दे रखी है उसको अच्छे से समझनी है पढ़नी है कि क्या मुझे दिया हुआ है ठीक है तो आप देखो पहले पढ़ लें साथ में मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आप सभी की तो एक तालिका में एक स्कूल में पांच अलग, अलग अलग कक्षाएं हैं एक से ई तक उसमें आपको पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है टोटल स्टूडेंट्स आप सभी को दे रखे हैं ठीक है आगे बेटा क्या बोल रखा है दूसरे कॉलम में मेरे को क्या दे रखा है आ, ना तो शतरंज और ना ही कैरम में भाग लेने वाले छात्र वो कोई गेम में नहीं जाते हैं ना तो वो कैरम में जाते हैं ना वो किस में जाते हैं सर जी चेस खेलते हैं वो अपने अलग हैं और मुझे तीसरे कॉलम में क्या दे रखा है कि चेस और कैरम खेलने वालों का मुझे अनुपात दिया है तीसरे कॉलम में ठीक है सही है चलो आगे आगे का आंसर जो है मुझे बताना है आगे आपके लिए टेबल लेके आ रहा हूँ इंग्लिश में भी है क्या इंग्लिश में Uh, देखना पड़ेगा नहीं है यार मैं बता देता हूँ मुझे दोनों लैंग्वेज में आई विल टेल यू वॉट आप देखो क्या बोल रखा है बी सी और ई e से शतरंज में भाग लेने वालों वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है बी सी और ई e में शतरंज में भाग लेने वाले

बी में तीन सो तीस है ये कुछ भी भाग नहीं लेते हैं तो माइनस कर दूंगा क्या अट्ठासी कितना बचेगा कितना बचेगा फटाफट से बताओ अब जल्दी जल्दी जो है आप लोग मुझे बताते जाएंगे फटाफट फटाफट फटा फटा दो सौ बयालीस बच जाएगा दो चार बिल्कुल दो सौ बयालीस आप देखोगे क्या बताना है बेटा शतरंज वाले बताना है चेस वाले तो चेस टू कैरम का रेशो दिया हुआ है तो चेस खेलने वाले मेरे पास सात हो जाएंगे क्या सात बटा टोटल कर दो सात और चार ग्यारह तो ग्यारह दुना बाईस ग्यारह दुना बाईस सात उन्नी चौदह सात उन्नी चौदह एक पंद्रह एक सौ चौवन इतना समझ में आता है क्या हाँ या ना बताओ मुझे फटाफट से सही है ऐसे ही ऐसे ही किसका निकालना है सर जी सी का निकालना है सी में कितने लोग हैं सर जी दो सौ चालीस इसमें से जो कुछ भी नहीं है जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं एक सौ दस है, है माइनस कर दो कितना बचेगा सर जी जीरो चार में से एक गया तीन और दो में से एक गया एक सौ तीस सही है बताओ मुझे अब हमें इसमें से भी क्या निकालना है सर जी सी में से चेस खेलने वाले तो आठ बटा तेरा तो तेरह एकम तेरा और दस को अस्सी से कर दूंगा तो अस्सी आ जाएगा क्या इतना बताओ समझ में आता है क्या ई वाला निकालना है कैसे निकालेंगे ई वाला सर जी तीन सौ नब्बे है उसमें से क्या कर दो आप एक सौ तीस हटा दो कितना बचेगा जीरो नौ में से तीन गया छह तीन में से दो सौ साठ और हमारे ई में कितना है वही आठ बटा पाँच तो आठ बटा तेरह तो तेरह दोना छब्बीस और ये हो जाएगा एक सौ साठ सर जी क्या कर देना है तीनों को मुझे कुल संख्या निकालनी है तो एक सौ चौवन अस्सी और मैं क्या कर दूंगा भैया एक सौ साठ में कर दूंगा तो चौदह पाँच उन्नीस तीन सौ चौरानवे जो है मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गई क्या बताओ देखें देख लो अच्छे से सुन लो समझ लो लिख लो स्क्रीन ले लो बता दो आ गया क्या पहला क्वेश्चन समझ ठीक है बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी द आंसर एंड ऑप्शन ई इज दी ऑप्शन बी इज द आंसर ओनली अगले प्रश्न पे आते हैं बताओ आंसर अगले प्रश्न का थोड़ा सा मजदूरी वाला क्वेश्चन है डी आई बिल्कुल डी आई टाइम लेती है भाई थोड़ी सी मजदूरी कराती है दस नंबर ऐसे नहीं देती है दस नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं आप सभी को ठीक है जी थोड़ा सा तो मजदूरी करवाएगी एनी वेज दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं आप देखो गौर से क्वेश्चन को देखना जिसको नहीं आता है थोड़ा सा पीछे करके देख लेना पहले भी आराम से करवाया है ठीक है जी आ जाएगा समझ में आगे देखो बी और सी में मिलाकर कैरम में भाग लेने विद्यार्थियों की संख्या का ए और डी में मिलाकर शतरंज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से अनुपात कितना है करें सॉल्व देखो बी और सी का मिला के हमें करना है तो बी पहले निकाल लो किसका निकालना है सर जी कैरम का तो बी वाले कितने सर जी 130 330 सॉरी माइनस आप कर दोगे ये 88 भैया कुछ ही काम के नहीं है कितना बच जाएगा सर जी 242 किया था हमने अभी किसका निकालना है सर जी कैरम का निकालना है तो कैरम का कितना सात बट, चार बटा ग्यारह हो जाएगा क्या सात चार बटा ग्यारह कैसे हो गया सर जी टोटल हमेशा नीचे का डिवाइड हम लोग करेंगे ठीक है तो बाईस जो कि अठासी पहली चीज समझ में आती है क्या चलो आगे यदि आप देखोगे किसका बताना है सर जी सी का बताना है सी में कितने हैं भैया दो सौ चालीस एक सौ दस कुछ ही नहीं काम करने वाले 240 में से 110 किया तो सर जी 130 बचा किसका निकालना है सर जी कैरम का ही निकालना है तो गुणा कर दोगे 5 बटा तेरा कितना हो गया सर जी पचास दोनों को जोड़ लोगे दोनों को जोड़ लोगे तो हमारे पास 88 आठ आठ पांच तेरह एक पहली चीज हमारे पास आ जाएगी इतना समझ आता है क्या ये सौ नो सही है आगे आप देखो आगे आप देखो क्या बोला ए और डी का मिला के शतरंज वाला ए और डी का शतरंज का देख लो बना लो ए में कितने सर जी चार माइनस 119 कर दोगे जो कि किसी काम के नहीं है ठीक है और कैरम का मुझे निकालना है तो कैरम का भैया सेकंड वाला होगा मतलब तीन इसमें से गया 420 में से भैया 119 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा एक आ, जीरो और तीन तीन सौ एक बचेगा क्या बताओ फटाफट से बिल्कुल 301 है ना ठीक है और मेरे को कैरम का निकालना है बेटा इस बार तो आगे वाला चेस का है पीछे वाला कैरम का है तो चार बटा ग्यारह मेरे पास हो जाएगा तो ग्यारह एकम ग्यारह दूना बाईस और ये मेरे पास आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है बताओ देखिए सही है क्या एकन अरे यार ये गलत कर रहा हूँ ना मैं ये हमारा चार और तीन होगा मैं ये गलत कर रहा हूँ इसलिए वो कट नहीं रहा है कोई बात नहीं हम इसको देख लेते हैं तीन सौ एक गुणा तीन बटा सात हमें करना है तो सात सौ अट्ठाईस सात तिया इक्कीस तीन तिया नौ और चार ती बारह एक सौ उनतीस ठीक है ऐसे ही क्या हम डी का निकाल सकते हैं बताओ मुझे क्या ऐसे ही हम लोग डीका निकाल सकते हैं सर जी निकाल दी थोड़ा सा काम अब आप लोगों को दे रहा हूं मैं थोड़ा सा सर्जी टोटल दोनों का कर दोगे एक का निकाल दिया है निकाल के रेशो निकाल लेना आंसर आप सभी का आ जाएगा ये आपका होमवर्क है छोटा सा ठीक है अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं हाँ बिल्कुल वो मैं इस बार गलती से मैंने ये कर लिया था कोई बात नहीं ठीक है भैया गलती इंसान से ही होती है और हम गलती से ही सीखते हैं है ना चलो अब आंसर बता दो डी से कैरम और ए से शतरंज में भाग लेने छात्रों के औसत ओहो डी से क्या निकालना है सर जी कैरम तो डी में कितने हैं डी में कितने हैं सर जी 125 में से 45 लेस कर दोगे कितना आ जाएगा सर जी 125 में से 45 आप लोग लेस कर दोगे क्या मेरे पास 80 आ जाएगा और कैरम मुझे निकालना है तो कैरम वाला मेरा दूसरा है तो तीन बटा पाँच तो ये हो गया मेरा सोलह पंजे अस्सी सोलह थी अड़तालीस ठीक है और क्या निकालना है ए से शतरंज ए से शतरंज तो वही तीन सौ एक हो जाएगा तीन सौ एक गुणा शतरंज वाले कौन है सर जी ये चार बटा सात मुझे कर देना है चार बटा सात जो है मुझे कर देना है कितना आ जाएगा सर जी एक सौ बहत्तर दोनों को जोड़ लो तो एक सौ अस्सी तो मेरे पास हो जाएगा दो सौ बीस क्योंकि औसत निकालना है ना औसत निकालना है मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसको और इसको आप लोग जोड़ना पड़ेगा और कितनी संख्याएं हैं सर जी कितनी संख्या है दो तो दो से भाग दे दो भैया एक सौ दस हमारे पास आ जाएगा वन वन जीरो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर ठीक है बताओ समझ में आ गया हाँ या ना चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है गृह कार्य दे रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो कमेंट में सारे के सारे जो हैं मुझे इसका आंसर बताएंगे आप सभी सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सा प्रश्न है ठीक है अब इतना कुछ मैंने करा दिया है तो एक तो अपन कर ही लेंगे भाई प्रैक्टिस में क्वेश्चन ठीक है बताओ तो शायद सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं बिल्कुल एक क्वेश्चन और मैं लेके आया था वो मुझे दिख नहीं रहा है बहुत काफ़ी टाइम इन वर्क का हमारा क्वेश्चन था कोई नहीं <coughs> आज लास्ट कोई क्लास है नहीं हमारी आगे हम लोग सीख लेंगे चलो तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी सेशन फ्रूटफुल रहा होगा अच्छा लगा होगा लगा है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं हम मेरी जो क्लास है मेरी जो क्लास है रात को नौ बजे मेरी क्लास होती है पेपर वन की तीनों यूनिट हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा डेली रात को नौ बजे मिलते हैं कल वापस से एक बढ़िया से सेशन के साथ तब तक बने रहिए जार फटा हिंदी मीडियम के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास तो थैंक यू सो मच बाय बाय ध्यान रखिए अपना अपने पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंटली और पढ़ते रहिए शुक्रिया